सचिन आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून अर्षदा, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। जिस तरीके से निफ्टी कंसोलिडेट हो रहा है एंड एक रिन्यूड स्ट्रेंथ रिलायंस में आ रही है, मुझे लग रहा है रिलायंस का कॉन्ट्रीब्यूशन इस सेकेंड हाफ में काफी अहम होगा। एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर 60 मिनट्स चार्ट पे एग्जिबिट हो रहा है, एंड पिछले कुछ दिनों से काफी हेल्दी डोजी फॉर्मेशन डेली चार्ट पे एग्जिबिट हुए, तो मुझे लग रहा है जल्दी इसमें एक अच्छी रिकवरी हो सकती है। ऑन द हायर साइड टारगेट होगा अराउंड 2740 का, खरीदारी करनी है रिलायंस के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2660 के आसपास लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो सचिन जी का यहाँ पे रिलायंस एक्टिवर्स जो है वो करीब 2678 पे ट्रेड है। एक सिनेट डिस्क्रिप्शन आपके स्क्रीन पे। इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। कोई ट्रेड आप ले रहे हैं कृपया एक निजी राय जरूर रखें। सचिन, एक बार जरा अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट देखिए, क्या भी होगा स्टॉक पर। अनुज जी, सुबह भी हमने इसे 10 के दमदार इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कवर किया था। जो इसका पहला टारगेट था या इमीडिएट स्विंग एक्सपेक्टेड था वो तो यहाँ पर अचीव हो चुका है, बट जो सेकेंड टारगेट जोन है मुझे लग रहा है 11,260 के आसपास वेल प्लेस्ड है। अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग इसको एस्टैब्लिश करनी है, जो लगभग अराउंड 10,960 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है कंफर्टेबली इस लेवल के ऊपर आज की क्लोजिंग मिलनी ही चाहिए। एंड अगर किसी की अभी भी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो रिटेन करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से ट्रेल करना है 10,950 पे, एंड अभी भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। मुझे लग रहा है एक अच्छी मूव यहाँ पर अनफोल्ड हुई है ऑन द बुलिश साइड, जो रिटेन होने चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए। जेम और एग्जैक्टली एक डॉट पॉइंट होता है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहीं से इसका रिवर्सल है। और अगर आप रीड करें जाके नवंबर 2022 यानी ऑलमोस्ट 22 से 23, 23 से 24 दो सालों का प्राइस बता रहा हूँ, हमेशा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक देता है। एफआरए सुपरस्टार के लिए चलते हैं सचिन जी के पास। सचिन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर लूपिन में एक अच्छा यूटर्न आया है। इनफैक्ट कल के सत्र में जिस तरीके से 2100 लेवल ब्रेक किया था इसने, वहीं पे मुझे लग रहा है कहीं पर शॉर्ट्स थोड़े से ट्रैप हो चुके हैं। एक डेली चार्ट पे एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है जिसका बेस लगभग अराउंड इसी लेवल के आसपास प्लेस था, एंड वहीं पे एक रिवर्सल है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हो रही है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है इमीडिएट बेसिस पे 2180 के आसपास का स्विंग बन सकता है। पोजिशनल टारगेट होगा यहाँ पर 2225 का। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2096 के आसपास लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए लूपिन पर क्लियरली ट्रेड आ रहा है। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा चार्ट का चमत्कार? मैं समय एक लॉन्ग ट्रेड